अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीलेंटेड फाइलम। उस सीलेंटेड फाइलम में हमारी जो टाइप स्टडी है ओबिलिया, और ओबिलिया जिसका कॉमन नेम है सीपर। अब हम इसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन है उसको स्टडी करते हैं, दैट इज फाइलम सीलेंटेटा, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोइडा एंड फैमिली कैंप्यूलेनेरिडिया एंड जीनस ओबिलिया एंड स्पीसीज जेनिकुलेटा। ठीक है, अब ये जो जेनिकुलेटा स्पीसीज है मोस्ट कॉमन स्पीसीज है। इसके अलावा अदर स्पीसीज भी पाई जाती हैं, बट जो जेनिकुलेटा है दैट इज कॉमन स्पीसीज। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका हैबिटेट स्टडी करते हैं। हैबिटेट में क्या आएगा कि ये मरीन ऑर्गेनिज्म है एंड पॉलीमॉर्फिक है, मैनी फॉर्म्स में मिलता है, एंड ये कॉलोनी की फॉर्मेशंस कर रहा है, एंड ये क्या है, सेडेंटरी ऑर्गेनिज्म है। ये रॉक शिप या मोलस्क सेल पे अटैच फॉर्म में पाया जाता है एंड दैट इज सेडेंटरी। ठीक है, और जो ऑर्डर जेनिकुलेटा है वो क्या है, मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन दिस फाइलम। एंड जो ये ऑर्गेनिज्म है इसमें जो ट्री लाइक ब्रांचेज अपीयर हो रही हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जूफाइटा। नेक्स्ट आता है इसका हैबिट्स। हैबिट्स में जो सबसे पहले आती है इसकी फीडिंग, और फीडिंग में हमारा ये ऑर्गेनिज्म है दैट इज कार्निवोरियस, एंड ये इसके पास टेंटेकल्स प्रजेंट है। ठीक है, और ये टेंटेकल्स जो प्रे होता है उसको क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं और पैरालाइज करते हैं एंड उसको इंजेक्ट करते हैं। एंड वहाँ पे जो टेंटेकल्स हैं वहाँ पे कौन सी सेल्स प्रजेंट है, स्टिंगिंग सेल्स प्रजेंट है, जो क्या करती हैं, जो प्रे होते हैं उनको पैरालाइज करते हैं। यहाँ पर जो डाइजेशन होगा इंट्रा और इंटर दोनों टाइप का डाइजेशन होगा, इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इंटरसेलुलर जो हमारी डाइजेस्टिव जूस मींस जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या सीक्रेट, इनकी जो सेल्स हैं मेनली यहाँ पे जो ग्लैंड सेल है वो क्या सीक्रेट करेंगी, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेंगी, और यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन अकर होगा। अब जो सेमी डाइजेस्टेड फूड मटीरियल है उनको जो सेल है ठीक है वो क्या करेंगी, इंटेक करेंगे और उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। यहाँ पे एक सीलेंटेड कैविटी प्रेजेंट होती है इनटू द बॉडी, वहाँ पे जो फूड मटेरियल इंजेक्ट करेगा एंड वहाँ पे पहले फर्स्ट होगा इंटरसेलुलर डाइजेशन, देन जो सेल्स हैं वो उस फूड मटेरियल को इंटेक करेंगे और उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा इंट्रासेलुलर, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा उसको एक्सपेल आउट इन द सीलेंटेड कैविटी। ठीक है, इससे नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है बोथ टाइप का है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हो रहा है थ्रू बडिंग। ठीक है, यहाँ पे बडिंग, बड की फॉर्मेशंस होगी और देन वो बड क्या होगी, डिटैच होगी और एक न्यू बॉडी की फॉर्मेशंस हो जाएगी। बट यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होते हैं जॉइड्स के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे जो सेक्सुअल जॉइड है दैट इज मेड्यूसा, देखो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेक्सुअल और डाइसेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट यहाँ पे जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है वो एब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी। यहाँ पे एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी, जो लार्वल स्टेज होगी दैट इज फ्री स्विमिंग लार्वा, दैट इज लैनुला लार्वा। एंड जो लाइफ हिस्ट्री है वो क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, ये हो गए हमारी बोथ टाइप की फर्टिलाइजेशन होगी, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, प्लेनुला लार्वा मीन्स फ्री स्विमिंग लार्वा यहाँ पे प्रजेंट होती है, एंड लाइफ हिस्ट्री क्या शो करती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एंड नेक्स्ट है कि जो रिस्पायरेशंस और एक्सक्रीशंस होता है वो किसके थ्रू होता है, वो जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। नेक्स्ट आता है कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी जो हाइट है 25 to 30 mm इन हाइट, एंड इस ऑर्गेनिज्म में ब्रांचेज प्रजेंट होती हैं, जो हमने बोला था जॉइड्स ट्री लाइक ब्रांच प्रजेंट होती हैं। ठीक है, और ये फर लाइक अपियरेंस देती है, इसलिए इसको बोलते हैं सी फर। एंड जो इसका कलर होता है दैट इज क्रीमिस वाइट, इज वाइट एंड ग्रेस इन कलर, और जो स्मिटी होगी दैट इज क्रीमिस वाइट और ग्रेस कलर होगा, और जो स्मिटी होगी दैट इज रेडियली स्मिटी। यहाँ पर टू टाइप के फिलामेंट्स प्रजेंट होंगे, हाइड्रोइजा एंड हाइड्रोकुलाई। ठीक है, हाइड्रो
हाइड्रोइजा होगी वो होगी हॉरिजेंटल ब्रांच, हॉरिजेंटल ब्रांच जो सबस्ट्रेटम पर प्रेजेंट होगी और ये क्या देगी, ये स्पोर्ट्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है, अटैचमेंट के लिए ये ब्रांच प्रेजेंट होगी, और जो वर्टिकल ब्रांच होगी दैट इज हाइड्रोक्यूलाई। नेक्स्ट इज देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है ओबेलिया का, ठीक है, ये हमारी हाइड्रोइजा एंड दैट इज हाइड्रोक्यूलाई, एंड ये हमारे टेंटेकल ऑर्गेनिज्म पर टेंटेकल्स प्रेजेंट है दैट इज सीलेंटेड कैविटी, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी लेयर्स है जो टू टाइप की यहाँ पे लेयर प्रेजेंट होगी देखो, एंड सेकेंड है कि ये पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म होता है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है जॉइड्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, एंड ये जो जॉइड्स होंगे इनके जो स्ट्रक्चर और फंक्शंस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि ये हमारा क्या है, गोनियम है, ठीक है, ये क्या है, एंड जो सेकंड ये क्या है, हाइड्रेंथ है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉलीमॉर्फिज्म शो होगा वो थ्री टाइप का होगा, एक होगा हाइड्रेंथ, सेकंड इज गोनोजोइड एंड थर्ड इज गोनोफोर, ठीक है। जो गोनोजोइड होगा या ब्लास्टोस्टाइल्स होगा वो शो करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग, ठीक है, बट जो मेड्यूसा होगा या गोनोफोर होगा वो क्या शो करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड जो हाइड्रेंथ्स होगा, ठीक है, जो हाइड्रेंथ्स है इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, न्यूट्रिशंस का, ठीक है। यहाँ पे जो टेंटेकल्स प्रेजेंट है ये क्या करेंगे, फूड को कैप्चर करेंगे, कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट है वगैरह है, उनको क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, सबसे पहले उनको पैरालाइज करेंगे, एंड देन जब ये क्या हमारी सीलेंटेड कैविटी है इसमें क्या करेगा, इसको इंजेस्ट करेगा। उसके बाद हमारा माउथ प्रेजेंट है, एंड उसके बाद इसके अदर ऑर्गन प्रेजेंट है जो हेल्प करेंगे, मीन्स यहाँ पे जो इनर साइड्स में जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो हेल्प करेंगी। एक तो यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होंगी वो फ्लैजिलेटेड होंगी, फ्लैजिलेटेड का जो फंक्शंस होगा कि ये जो फूड मटेरियल आएगा उसको मूवमेंट में हेल्प करेंगे, और सेकंड यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेंगे, इसके कारण से क्या होगा, यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस होगा, और सेकंड अब जो सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा उनको सेल्स क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, और वहाँ पे डाइजेशन होगा, उसके थ्रू हमारा क्या होगा, मीन्स जो सेमी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा इनटू दी सेल वो क्या होगा, एक्सपेल्ड आउट इन द सीलेंटेड कैविटी, और कैविटी के थ्रू ही क्या आ जाएंगे ये आउटसाइड दी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो हमारी सीलेंटेड कैविटी है जो इनसाइड मिल रही है हमें, ये टू टाइप की कोर से मीन्स टू टाइप की यहाँ पे लेयर प्रेजेंट होती है, एक है कोइनोशार्क और सेकेंड है पेरिशार्क, ठीक है। जो कोइनोशार्क होगी वो इनर लेयर होगी, एंड जो पेरिशार्क है वो आउटर है, जो कोइनोशार्क है वो लिविंग कोट है, जो पेरिशार्क है वो नॉन लिविंग कोट है, एंड जो इनर साइड में प्रेजेंट है वो फर्दर टू से कंपोज है, इनर में होगी गैस्ट्रोडर्मिस और आउटर में होगी एपिडर्मिस, बट जो कोइनोशार्क है वो काइटेनियस इन नेचर है, एंड दिस लेयर इज सीक्रेटेड बाय जो एपिडर्मिस लेयर है उसके थ्रू सीक्रेट होगी, एंड अर्ली स्टेज में ये जो पेरिशार्क और कोइनोशार्क कॉन्टैक्ट में होंगी, बट लेटर ऑन ये क्या हो जाएंगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, एंड इनका जो फंक्शंस होगा स्पोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव। देखो जो हमारे जॉइंट्स हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे एन्यूलस प्रेजेंट होंगे, और ये एन्यूलस जो हमारी सीलेंटेड्स की बॉडी है या ओबिलिया की बॉडी है उसको क्या प्रोवाइड करेंगी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये हेल्प करेगी इन द इनटेक ऑफ फूड, इन द इनटेक ऑफ फूड, फूड के इनटेक में क्या करेंगी, ये हेल्प करेंगी। इससे नेक्स्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म इन ओबेलिया, जो ओबेलिया है इसमें पॉलीमॉर्फिज्म शो हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे मींस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशंस करेंगे, कॉलोनी की फॉर्मेशंस करेंगे, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होंगे वो डिफरेंट होंगे, बट ये एक कॉलोनी में ही रहेंगे, ठीक है। और जो सीलेंटेड मीन्स हमारे जो ओबेलिया है यहाँ पे जो कॉलोनी है वो कौन फॉर्मेशंस कर रहा है, जॉइंट्स फॉर्मेशंस कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये जो ओबेलिया है ये ट्राईमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे थ्री
थ्री टाइप के ऑर्गेनिज्म या जॉइंट्स मिलते हैं। सबसे पहला है हाइड्रेंट्स या पोलिप्स, सेकंड है ब्लास्टोस्टाइल और गोनोजोइड, और थर्ड है मेड्यूसा और गोनोफोर। ठीक है, जो हाइड्रेंट है इसका जो फंक्शंस है दैट इज न्यूट्रिशंस का। ठीक है, ये क्या करेगी, यहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा उसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट थे और अंदर क्या थी, सिलेंट्रेट कैविटी। सिलेंट्रेट कैविटी होल बॉडी में रन करेगी। ठीक है, सेकेंड जो है ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजोइड्स, ये क्या करती हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस ये बडिंग में हेल्प करेगी। और थर्ड है मेड्यूसा और गोनोफोर, ये क्या करती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रेंथ और पोलिप की कंप्लीट स्टडी। ठीक है, जो क्या है इसमें न्यूट्रिशंस इन फंक्शंस। ओके।